अपील यही है, खुदा से पहले मैं अपील करूंगा पूरा वर्ल्ड में ठीक हो जाए, हिंदुस्तान में ठीक हो जाए, कश्मीर में ठीक हो जाए, ये वायरस अल्लाह ठीक करे जल्दी से जल्दी। ये पहली मेरा रिक्वेस्ट है अल्लाह से कि पूरा विश्व ठीक हो जाए। अब आ गया लॉकडाउन, लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में है, कश्मीर में भी है। अब लॉकडाउन अगर गवर्नमेंट इसको कुछ टाइम के बाद बंद भी करेगा, मगर उसमें जो पब्लिक कश्मीर का है उनको रोल अच्छा अदा करना है। ईद आने वाली है, उनका रोल यही है कि अगर कुछ उनको शॉपिंग करना है ईद के लिए तो ये इकट्ठा नहीं जाए, जार अर्फ दोहन ईद दोहन। इट इज़ बेटर फॉर देम कि आहिस्ता आहिस्ता जाइए, घरों का जो भी आपको चाहिए वो आप लीजिए, कहीं भी गैदरिंग नहीं होना चाहिए, मास्क लगाइए, दैट्स ए वेरी इम्पॉर्टेंट। उससे बहुत अच्छा रहेगा गवर्नमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी कश्मीर में। देखिए 15 अप्रैल के बाद हमारा टूरिज्म, जो मिडिल क्लास टूरिस्ट आते थे यहाँ पर कश्मीर, मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ पूरे महाराष्ट्र से और गुजरात से, वो बंद हो गया टोटली 100% आज के डेट से। उससे ज़्यादा नुकसान हो गया कश्मीर वैली का जितना विंटर में नहीं होता था। विंटर में दो तीन ढाई महीना बिजनेस रहा, वो हिल स्टेशन पर रहा, गुलमर्ग में, सोनमर्ग में, पहलगाम में, थोड़ा बहुत श्रीनगर में आ गया। दैट वॉज अपर क्लास जो यूरोप जा रहा था, उन्होंने रुक किया कश्मीर की तरफ बर्फ़ देखने के लिए। मगर जो मिडिल क्लास टूरिस्ट आ रहा था कश्मीर पूरा वैली के लिए, जो 5 दिन 6 दिन 8 दिन के लिए यहाँ रहते थे पहलगाम में, गुलमर्ग में, श्रीनगर में, हाउस बोटों में, वो नहीं आ रहा है ना आएगा अभी इस सीज़न में। अगर अल्लाह ने सब कुछ ठीक किया है कश्मीर में, पूरे भारत में, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट कश्मीर आएंगे, यहाँ जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह और हम। मगर नुकसान का तो गवर्नमेंट को पता है, उनको ऑलरेडी रिकॉर्ड है उनके पास, ट्रैवल एजेंट उन्हें दिया है उनके पास, कितना नुकसान हुआ हम टूर ऑपरेटरों का। देखिए हम जो ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर है, हम अपना दिमाग बेचते हैं पूरे भारत में, घर जाकर कहते हैं कि कश्मीर आ जाओ। हमारे पास कोई होटल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, ज़मीन नहीं है जिसका हमारा रोजी रोटी हो जाएगा। हमारे पास ऑफिस लगे हुए हैं, 1500 टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट कश्मीर में हैं, उन्होंने ऑफिस बंद किया है, स्टाफ जो उनका था वो भी घरों में चला गया क्योंकि पैसे नहीं हैं। तो उसकी वजह से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से स्पेशली, और हमारी जो यहाँ उनकी काम करने वाले हैं टूरिज्म के अथोराइज, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दैट यू शुड हेल्प द टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट इन कश्मीर वैली। वी आर सफरिंग लास्ट 3 years इन कश्मीर वैली बिकॉज ऑफ ट्रैवल एजेंट इज नॉट हैविंग बिजनेस, बट वी डू एवरी ईयर मार्केटिंग। मार्केट करने के बाद उसमें हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म का अच्छा रोल रहा है, हेल्प कर रहा है, मगर जब हम मेहनत करते हैं ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर तो उसके अगेंस्ट हमको कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पर अरबों में रुपया हुआ कश्मीर में नुकसान, मैं इतना कहूँगा। अपील यही है कि दैट दे शुड हेल्प द टूर ऑपरेटर एंड ट्रैवल एजेंट एंड अदर बॉडीज।